सभी दोस्तों को नमस्कार। दोस्तों मैं KNV न्यूज़ चैनल में आपका स्वागत करता हूं और आज हम ब्लड डोनेशन कैंप ऑर्गेनाइज़ कर रहे हैं सेक्टर 3 शिव मंदिर में। और मेरे साथ हैं इस जो हमारी संस्था है प्रगति परिवार समिति, उसके कोर कमेटी के मेंबर हैं सैनी साहब हैं, अंशुमन जी हैं। तो इनके बारे में थोड़ा सा बात बताएंगे कि इस ब्लड डोनेशन के बारे में कि ये ब्लड डोनेशन कितने टाइम पीरियड बाद लगाया जा रहा है और किस किस तरह की एक्टिविटी ये प्रगति परिवार समिति करती है, सर ये भी बात करेंगे। नमस्कार जी। आज हमारा जो प्रगति परिवार समिति सेक्टर 3 में हमारी संस्था है, जिसके हमारे अध्यक्ष हैं मिस्टर विश्वदीप शर्मा जी, तो उनके नेतृत्व में आज जो है हमारा ये संस्था का 10वां वॉलंटियर ब्लड डोनेशन कैंप लगाया गया है शिव मंदिर सेक्टर 3 में। तो मैं जहाँ तक हमारे ब्लड डोनेशन का सवाल है, मैं सभी जो हमारे युवा वर्ग है 18 से 65 साल के बीच में जो स्वस्थ व्यक्ति है और जो हर तरह से सुटेबल है, फिट है ब्लड डोनेशन के लिए, मैं ये निवेदन करना चाहूँगा कि भी उनको 3 महीने के अंतराल पर अवश्य ब्लड डोनेशन करना चाहिए, क्योंकि ब्लड एक ऐसी चीज़ है कि जो आर्टिफिशियल तरीके से अभी तक इसका कोई सब्स्टिट्यूट नहीं बन पाया है। और जो है ये कि भी हमने एक स्वस्थ व्यक्ति का ब्लड लेना है और जो रोगी है उसके हमने इलाज के उस पर्पज़ से उसका हमने प्रयोग करना होता है। तो मेरा यही निवेदन है कि भाई जो है हर 3 महीने के बाद ब्लड डोनेशन हमेशा अवश्य करना चाहिए। तो हमारे विश्वदीप जी हैं और अंशुमन जी हैं तो और बाकी हमारे जो डोनर्स हैं वो इनके सहयोग से सभी के उसमें, तो अब भी हमारा 3 महीने पहले भी ब्लड डोनेशन कैंप लगा था प्रगति परिवार समिति का, तो आज फिर लगाया गया है। तो मैं यही निवेदन करता हूं कि हर व्यक्ति जो 18 से 65 साल के बीच में है, स्वस्थ है, तो कहीं भी जाएं, ये नहीं है कि भी कहीं भी उनको नज़दीक लगता है ब्लड सेंटर तो वहाँ ज़रूर ब्लड डोनेशन ज़रूर करें। सभी का धन्यवाद। तो दोस्तों मैं यही बात आपसे सभी से कहना चाहता हूं, जो प्रगति परिवार समिति हम सभी लोगों के द्वारा बनाई गई एक संस्था है जो 2018 में कुरुक्षेत्र सेक्टर 3 में हमने यहां स्टैब्लिश की थी। और अभी तक हम बात करें तो लगभग हम 10 के आसपास यहां ब्लड डोनेशन कैंप ऑर्गेनाइज़ कर चुके हैं। इसके साथ साथ अगर गरीब बच्चों को पढ़ाना है या गरीब बच्चों को कपड़े वितरित करना है तो इस तरह की एक्टिविटी भी प्रगति परिवार समिति करती आ रही है। और आप सबसे भी दोस्तों मेरा निवेदन है कि आप प्रगति परिवार समिति के साथ जुड़ें, इसके लिए कोई भी आपको पेमेंट नहीं देनी, कोई पैसा नहीं देना, और आप निस्वार्थ सेवा कर सकते हैं। और अगर आप ब्लड डोनेशन कैंप में आते हैं तो आप ये लगाकर चलें कि जो एक यूनिट है वो लगभग 2 या 3 लोगों के काम आती है, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा व्यक्ति इस ब्लड डोनेशन कैंप का पार्ट बने और प्रगति परिवार समिति के साथ जुड़े। मैं अंशुमन गुप्ता जी से भी बात करना चाहूँगा जो हमारी प्रगति परिवार समिति के कोर कमेटी के मेंबर भी हैं और हमेशा इस तरह की सोशल एक्टिविटी में तत्पर रहते हैं काम करने में। अंशुमन जी आप भी प्रगति परिवार समिति का सदस्य होने के नाते मैं सभी का की तरफ से सबका धन्यवाद करता हूं कि आज का जो रक्तदान शिविर था बहुत ही सक्सेसफुली सफलतापूर्वक संपन्न होने जा रहा है। और मैं सभी से विनम्र निवेदन करता हूं कि हर 3 महीने बाद अपना रक्तदान जरूर करें। भगवान ने हमें एक ऐसी चीज़ दी है जिसका हम दान कर सकते हैं, वो भी बिना किसी खर्च किए, तो हमें सभी का करना चाहिए। सबसे बड़ा दान रक्तदान है। और वैसे भी प्रगति परिवार समिति हमेशा हर सोशल कोज में हमेशा आगे रहती है, उसका साथ दें और इस प्रकार के अच्छे काम करते चलें, अच्छे बने, अच्छे रहें, स्वस्थ बने। और इसके साथ हम कुछ डोनर से भी बात करते हैं, जो मुकेश जी हैं हमारे दोस्त, ये भी प्रगति परिवार समिति में हमेशा से ब्लड डोनेट करते आए हैं, डोनर भी हैं ये और बहुत एक्टिव पर्सन हैं प्रगति परिवार समिति के लिए जो काम करते हैं और हमेशा विलेज से एक बिलोंग करते हैं और वहाँ तत्पर रहते हैं हमेशा सोशल एक्टिविटी में। मुकेश जी आप थोड़ा सा बताएं अपने बारे में, और आप फर्स्ट टाइम दे रहे हैं ब्लड, थोड़ा सा बताएं। नहीं, 4th बार दे रहा हूँ और अच्छा लगता है देने के लिए। और जैसा कि मुकेश जी प्रगति परिवार समिति के साथ आप जुड़े हुए हैं और काम करते आ रहे हैं, हमने देखा है कुछ लास्ट 2 ईयर से आप बहुत एक्टिवली काम कर रहे हैं, तो थोड़ा सा आप बताएं कि प्रगति परिवार समिति में किस किस तरह की एक्टिविटीज़ आप कर रहे हैं और क्या काम कर रहे हैं। जैसे ये ब्लड कैंप हो गया, बच्चों के लिए प्रतियोगिता होगी, जैसे चेस प्रतियोगिता होगी और मान सम्मान के लिए कई बार समारोह भी रखे गए हैं, तो बहुत अच्छा लगता है जुड़ने के बाद, बहुत ही अच्छा फील होता है कि भी यहाँ पर हम जुड़े हुए हैं प्रगति परिवार। देखिए ये मुकेश जी हैं जो हमारी प्रगति परिवार समिति का एक अगर हम एक्टिव मेंबर हैं, कोर कमेटी के मेंबर हैं, हमेशा तत्पर रहते हैं किस तरह की एक्टिविटी में भाग लेने के लिए। एक हमारे डोनर और हैं गिरीश वधवा जी, जो NIT में PhD किया हुआ है इन्होंने, NIT जालंधर से, और ये भी प्रगति परिवार समिति की अगर हम बात करें कोर कमेटी के मेंबर और हमेशा तत्पर रहते हैं ब्लड डोनेशन कैंप हुआ या किसी भी तरह की एक्टिविटी में। गिरीश जी बहुत अगर हम बात करें सोशली जुड़े हुए हैं व्यक्ति, तो इनसे भी हम बात करेंगे। सर आज आपको ब्लड दे के कैसा लगा? नहीं, मुझे ब्लड दे के आज बहुत अच्छा लगा। आज मैंने फर्स्ट टाइम ब्लड दिया है और मुझे खुशी है कि मैंने समाज के लिए आज पहली बारी कुछ किया है।
देखिए जैसे इन्होंने कहा फर्स्ट टाइम ब्लड दिया और इनको बहुत खुशी है कि समाज के लिए, क्योंकि जो एक यूनिट है मैंने आपको दोस्तों बताया कि 2-3% को वो यूनिट बेनिफिट मिलता है उस चीज़ का, तो जैसे गिरीश जी ने बताया कि इनको बहुत अच्छा फीलिंग आया। आप थोड़ा सर प्रगति परिवार समिति से भी जैसे काम करते हैं, हमारे साथ जुड़े हुए हैं आप, तो आपको किस तरह फील करते हैं आप, किस तरह एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करते हैं थोड़ा बताएं। मुझे पता चला है, मतलब मैं काफ़ी टाइम से प्रगति परिवार समिति से जुड़ा हूँ, उन्होंने टाइम टाइम पर ब्लड डोनेशन कैंप काफ़ी ऑर्गेनाइज़ करवाए हैं, उन्होंने कोरोना वायरस जब आया था तो उसके लिए इंजेक्शन की भी फ्री फैसिलिटी सर्विस प्रोवाइड की थी, मैंने भी अपने इंजेक्शन यहीं से लगवाए हैं, तो मैं चाहूँगा कि प्रगति परिवार समिति आगे भी ऐसे अच्छे कार्यों में बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले। धन्यवाद जी, आपको वीकनेस तो नहीं लग रही गिरीश जी? आई एम फीलिंग वेरी गुड। तो दोस्तों ये हमारे डोनर हैं और एक अगर हम बात करें सोशली एक्टिविटी में भी पार्टिसिपेट करते हैं गिरीश वधवा जी, जैसे हमने उन्होंने बताया कि जो प्रगति परिवार समिति है निस्वार्थ लोगों की सेवा करती है, और साथ साथ हम बात करें कि कोई भी फाइनेंशियली टर्म्स अवेलेबल नहीं है इसमें, ना आपको कोई भी फीस देनी है जुड़ने के लिए, आप निस्वार्थ प्रगति परिवार समिति के साथ जुड़ें और सोशल एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करें। और अभी मैं थोड़ा सा मैडम से भी बात करूँगा कि अभी तक टोटल कितने डोनर आए हैं, और डॉक्टर साहब भी हैं हमारे साथ, उनसे भी हम दो शब्द बात करेंगे। नमस्कार सर। सर अभी तक कितने डोनर हैं थोड़ा सा आप बताएं, ब्लड डोनेशन के बारे में सर थोड़ा सा हमारे जो व्यूअर्स हैं उनको बताएं कि जो ब्लड डोनेशन है किस तरह एक व्यक्ति की हेल्प कर सकता है ये, और इसकी वैल्यूज़ क्या हैं जो ब्लड डोनेशन के। वैल्यूज़ तो बहुत हैं इनकी, मगर डोनेशन का जैसे आपने बताया आपको कि कितना काम आ सकता है, काफ़ी पेशेंट होते हैं जिनको ब्लड ट्रांसफ्यूजन की नीड होती है, अगर उनको राइट टाइम पर मिल जाता है तो उनका काफ़ी उनकी हेल्थ में काफ़ी इम्प्रूवमेंट हो जाता है। और जैसे कि भी आप जानते हैं कि डेंगू होता है तो उसके अंदर भी प्लेटलेट्स डाउन हो जाते हैं, तो प्लेटलेट ट्रांसफ्यूजन का भी हमें चाहिए होता है तो प्लेटलेट ट्रांसफ्यूज़ करते हैं। और किसी को अगर जैसे हीमोफीलिया पेशेंट है उनके लिए भी, और भी है अभी जैसे अनीमिया है तो किसी को काफ़ी केसेज में अगर कोई हीमोग्लोबिन लेवल काफ़ी डाउन आ जाता है तो उसके अंदर भी हमें ट्रांसफ्यूज़ करना पड़ता है। और भी नंबर ऑफ डिजीज़ है जिनके अंदर हम ब्लड ट्रांसफ्यूजन के थ्रू हेल्प करते हैं, और अगर लोग खुद अपनी मर्जी से सामने आके वॉलंटियरली आके ब्लड डोनेट करना चाहते हैं तो अच्छी बात कुछ नहीं हो सकती। थैंक यू सर। जैसे डॉक्टर साहब ने बताया कि जो ब्लड की अहमियत है वो इतनी वैल्यू है क्योंकि हर एक पेशेंट को, जैसे डेंगू का कोई पेशेंट है वहाँ पर ये ब्लड बहुत इंपॉर्टेंट रोल क्रिएट करता है। इस तरह की एक्टिविटीज़ जो डोनेशंस होती है किसी नीडी व्यक्ति की हेल्प कर सकते हैं, तो ज़्यादा से ज़्यादा डॉक्टर साहब ने जो हमें बताया कि मैक्सिमम लोगों को ब्लड डोनेट करना चाहिए, हर 3 महीने बाद वो ब्लड डोनेट करना चाहिए। अभी हम मैम से ही बात करेंगे, अभी टोटल यूनिट कितने हुई हैं अभी तक? मैम टोटल यूनिट कितने हुए हैं अभी तक? 25। अभी जैसे मैम ने बताया 25 टोटल यूनिट हो चुके हैं, और अभी ये प्रोग्राम है ये अंडर प्रोसेस चल रहा है, ऑनगोइंग प्रोसेस है, और जितने मैक्सिमम आएंगे दोस्तों हम टाइम टू टाइम अपडेट वो भी करेंगे। आपने दोस्तों ये हमारी इन्फॉर्मेशन सुनी इसके लिए धन्यवाद, और अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया जल्दी जल्दी चैनल सब्सक्राइब करें जिससे टाइम टू टाइम एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन आप तक पहुँचने। आपका दोस्तों ये इन्फॉर्मेशन सुनी इसके लिए धन्यवाद।
ठीक है ना।